आगरा के डॉक्टर ने मचाया मौतों का तांडव। पारस अस्पताल के संचालक ने किया था 22 मरीजों का मेडिकल मर्डर। 5 मिनट तक मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई जानबूझकर रोकी गई। ऑक्सीजन सप्लाई रोके जाते ही 22 मरीजों की जान चली गई। अस्पताल संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन खुद वीडियो में बता रहे हैं पूरी गाथा। फैसला हुआ कोई कहीं नहीं जाए, हमने अब तो इतना बड़ा कांड हो गया, लास्ट का कांड तो कुछ भी नहीं, अब लिखा जाएगा पारस में 96 मौत है, मौत का मंजर देखने को मिलेगा। अब तो हो गया खेल खत्म, अब तो कैरियर खत्म, और 304 लिखवाएंगे, पत्रकार मानेंगे नहीं और जेल भी हो जाएगी। अब तो हो गया कांड, आखिरी रात है बस मेरे कैरियर की, क्या करते हैं सर। तो डिप्रेशन में आ पूरा तो था, फिर हमने ऑक्सीजन वाला ग्रुप पकड़ा, सेट करा, बड़ा सा पत्र उस पर डाला अपनी मजबूरी, माई जागी वेंडर संभवी वेंडर है, रिफ्यूज टू गिव फर्दर ऑक्सीजन सिंस मॉर्निंग, प्लीज हेल्प। कुछ लोगों की रिप्लाई संजय चतुर्वेदी वगैरह के भी, अरेंज सम सिलेंडर इन मॉर्निंग, 5 सिलेंडर, हमने 5 सिलेंडर से क्या होगा भाई, मैंने कहा 2 लाख 5 लाख 10 लाख की गाड़ी फाड़ी ले लो, टेंटर बोला लो यार, कम से बोला लो, अभी तो शाम तक तो कम से भी आ जाएगा, गोपाल गोपाल जहां से मिले मिला लो यार, कम तो होगा, कितने पैसे चाहिए, सोने के भाव बोल दो यार, जे बचे 96 जिंदगी बचे, कैरियर बचे, सोने का भाव लगा दो, सोने के भाव में लीजिए जी बटे, सोने का भाव लगा लो, टैंकर बताओ ऑक्सीजन का लगा खड़ा करो, तो कैसे ही मिलता हो तुम्हें, बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन, आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया। 2020 सुर्खियों में आया पारस अस्पताल एक बार फिर 2021 में सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन ने एक बार फिर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। आपको बता दें कि पूरे साल पारस अस्पताल ने ही 10 जिलों के मरीजों में कोरोना फैलाया था, जिस कारण महामारी अधिनियम के तहत पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन पर मुकदमा दर्ज हुआ था और फिर ये मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। एक बार फिर अरिंजय जैन ने 22 मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। दरअसल पारस अस्पताल में भर्ती मरीजों को 5 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई जानबूझकर रोक दी गई, जिससे उनकी जान चली गई। आपको बता दें इसका मॉक ड्रिल 26 अप्रैल की सुबह 7 बजे मरीजों को मारने के लिए ऑक्सीजन हटाने का किया गया था, लेकिन उस दरमियान पारस अस्पताल में 96 मरीज भर्ती थे। आखिर क्यों मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया, आखिर क्या कारण है कि इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा या फिर इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा, आखिर इन मौतों का सौदागर कौन है, प्रशासनिक अधिकारी या फिर सत्ताधारी पार्टी के सफेद पोश, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए प्रातः दर्पण न्यूज़। नमस्कार।